एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं सीएबीए इन्फोमेंट्री। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और पढ़ा, 1 जुलाई 2021 से आपका टीडीएस कटेगा दुगने रेट्स। तो दोस्तों, अगर आपने सेक्शन 206 एबी को नहीं समझा और इसके बारे में जानकारी नहीं ली, तो 1 जुलाई 2021 के बाद से जो लोगों को टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है, उन्हें डबल रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा या टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसी भी क्या बातें कर रहे हैं आप, हम क्यों डबल रेट से टीडीएस काटेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि टीडीएस वाकई में बहुत ही टीडीएस है और आप इसको सरकार ने और भी ज्यादा टीडीएस बना दिया है। ये सेक्शन आपकी यानी के ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेंशन बढ़ाने का एक कारण बनेगा, मींस आपका पेपर वर्क बढ़ाएगा, कंप्लायंस बढ़ाएगा। तो ये सेक्शन सिर्फ आपका टेंशन बढ़ाने वाला है। मैं आपको बताता हूं इस सेक्शन के बारे में, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। एट टाइम्स सम टैक्स पेयर्स डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू द हैसल ऑफ फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न एज दे मे नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी बट दे मे हैव अर्नड एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹5 lakh एंड देयर बैंक माइट हैव डिडक्टेड टीडीएस ऑफ ₹50,000 देयर ऑन द टैक्स पेयर मे नॉट हैव क्लेम्ड अ रिफंड बाय फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न thinking that it is the tax to be paid to the government. In such cases, the bank shall deduct TDS at higher rates now. Also, it may happen in cases of housewives who may not have a regular business or profession but may have received some payment for any job they have done in the previous financial years. If the payer had deducted TDS of ₹50,000 and she did not file income tax return, and now if she has earned interest income this year, the bank will deduct TDS at a higher rate. In the quest to make more revenue, the taxation laws are amended intermittently to plug the loopholes. In this process, either the new loopholes emanates or the law becomes more complicated. The more laws, the more offenders. The offenses may not happen intentionally but due to ever-changing laws. Such offenses can be curbed by imposing the penalties or by reminding the offenders about their responsibilities. Finance Act 2021 takes the same records by inserting Section 206AB and Section 206CCA. आइए अब बात करते हैं Section 206AB की, जो कि applicable हो गया है 1 जुलाई 2021 से। आइए अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूं। सपोज कीजिए हमारी एक कंपनी है सीएबी इन्फोमेंट्री और इस कंपनी पर टीडीएस के प्रोविजंस लागू होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सीएबी इन्फोमेंट्री में हम टीडीएस काटते हैं किसी इंडिविजुअल का, हम टीडीएस काटते हैं किसी प्रोफेशनल का,
अंडर सेक्शन 194J, हम टीडीएस काटते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर का अंडर सेक्शन 194C। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ एम्प्लॉयज भी काम करते हैं तो उनकी सैलरी पर भी हम टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 192। अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप यानी कि एसएससीज उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाए जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप तो अपने कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके लिए वो अपने एसएससीज का इस्तेमाल करेगा कि वह ऐसे लोगों के हाई रेट पर टीडीएस काटे जिन्होंने अपने पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और उस पर्सन का पिछले 2 सालों में टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 50,000 रुपए पर एनम काटा गया हो। तो अब इशू यह है कि जो पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उन पर क्या टीडीएस ज्यादा रेट पर लगने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल लगने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस सेक्शन 206AB के बारे में कुछ फाइनर एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको इस सेक्शन को समझने में बहुत ज्यादा आसानी और सुविधा होगी। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इस प्रोविजन को लागू करने के लिए हमें कौन कौन से साल के रिटर्न चेक करना पड़ेंगे उस व्यक्ति के जिसका हमें टीडीएस काटना है। दोस्तों, हम बैठे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो आप कौन कौन से साल के उस पर्सन के रिटर्न चेक करोगे कि वह उसने फाइल किए हैं या नहीं? तो आपका जवाब आएगा सर, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 1920। दोस्तों, आपका यह आंसर सही नहीं है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? तो देखिए, इस सेक्शन में लिखा है कि आपको ऐसे 2 साल के रिटर्न चेक करना है जिनको फाइल करने की ड्यू डेट निकल चुकी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करने की डेट तो अभी निकली ही नहीं है। नॉर्मली ये 31 जुलाई होती थी, जो कि इस साल बढ़ाकर सितंबर कर दी गई है। तो इसका मतलब हुआ कि आप फाइनेंशियल ईयर 2021 को चेक नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1819 एंड 1920 को कि क्या उस पर्सन ने इन 2 सालों की अपनी रिटर्न फाइल करी है या नहीं। अगर आप 1 जुलाई 2021 या उसके बाद टीडीएस काटने जा रहे हैं, अब इन 2 सालों में आप चेक क्या करेंगे? पहली चीज कि इन 2 सालों में उस पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं, और दूसरी कंडीशन ये है कि इन 2 सालों में हर एक साल में उसका टोटल टीडीएस और टीसीएस मिलाकर कम से कम 50,000 रुपीज हो। अभी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा सेक्शन 206AB के बारे में। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी पर्सन ने अपने पिछले 2 सालों के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। अगर किसी पर्सन ने पिछले 2 सालों में से किसी 1 साल का भी रिटर्न फाइल कर दिया है तो उस पर ये सेक्शन 206AB एप्लीकेबल नहीं होगा और उससे हायर रेट ऑफ टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे यहां शेयर करूंगा वो ये है, आप पूछेंगे कि क्या सिर्फ अगर किसी पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है और वो चाहे बिलेटेड ही क्यों ना हो, यानी कि जो टाइम लिमिट सेक्शन 139(1) के अंदर इनकम टैक्स में प्रोवाइड की गई है उसके बाद भी फाइल कर दिया है, तो क्या उस पर भी सेक्शन 206 भी एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है।
income tax return should be filed within the due date prescribed under section 139(1) of the Income Tax Act. उसी condition में section 206A भी applicable नहीं होगा. Normally, normal date of filing income tax return is 31st July और जहां पर tax audit होता है वहां पर ये 31st October होती है. तो इन डेट से पहले या यह डेट अगर बढ़ा दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 139(1) किसी ईयर में, जैसा कि पिछले साल हुआ था ड्यू टू कोविड और इस साल भी हुआ है, तो उन डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए. अगर यह डेट निकल गई है और इनकम टैक्स रिटर्न तब तक फाइल नहीं किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो सेक्शन 206(a)(b) एप्लीकेबल हो जाएगा. अब अगर किसी पर्सन ने अपना पिछले दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है और उसका टीडीएस एंड टीसीएस मिलाकर ₹50,000 उन दोनों सालों में अलग अलग होता है, तो ये सेक्शन 206(a)(b) एप्लीकेबल हो जाएगा और उस केस में आपको उसका हायर टीडीएस काटना पड़ेगा. अब आप पूछेंगे कि वो हायर टीडीएस कितना होगा, तो घबराइए नहीं दोस्तों, वो भी मैं आपसे अभी शेयर करता हूं. तो जो आपको टीडीएस करना पड़ेगा वो होगा हायर ऑफ दीज रेट्स. नंबर वन, ट्वाइस द रेट प्रेस्क्राइब इन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रेक्टर के केस में रेट प्रोवाइड था इन द एक्ट 2%, तो उस केस में इसका डबल यानी 4% टीडीएस काटना पड़ेगा आपको. नंबर टू, ट्वाइस द रेट इन फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रेक्टर के केस में अगर पर्सन जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल या HUF है, तो उस पर 1% टीडीएस आपको काटना पड़ता है. तो ये रेट इनफोर्स हो गया और अकॉर्डिंगली आपको इस केस में 2% टीडीएस काटना पड़ेगा. नंबर थ्री, एट द रेट ऑफ 5%. अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट रेट 5% है, तो इस कॉन्ट्रेक्टर के केस में आपको 5% टीडीएस काटना पड़ेगा. तो दोस्तों, कॉन्ट्रेक्टर के केस में जहां पर कि कॉन्ट्रेक्टर बहुत कम मार्जिन पर काम करता है, 1 या 2% पर, अगर उसका 5% टैक्स डिडक्ट कर दिया गया तो कॉन्ट्रेक्टर अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? उसकी सारी वर्किंग कैपिटल तो टीडीएस में ही चली जाएगी, उसका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा. और इसलिए उसके ऊपर ये कंपल्शन होगा कि वो अपने हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल करे. वैसे भी कॉन्ट्रेक्टर तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है कि सर मेरा टीडीएस नहीं काटिए. अब आप पूछेंगे कि सर क्या प्रोफेशनल के केस में भी मैं 5% टैक्स डिडक्ट करूंगा अंडर सेक्शन 206(a)(b)? नहीं नहीं दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशनल के केस में अंडर सेक्शन 194(j) नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स इज 10%, तो इस केस में आपको 20% टैक्स काटना पड़ेगा. इसी तरह से कमीशन या ब्रोकरेज के केस में, क्योंकि नॉर्मल टीडीएस रेट 5% है अंडर सेक्शन 194(h), तो इस केस में आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा. दोस्तों, सेम प्रोविजंस ऑन द लाइंस ऑफ 206(a)(b) फॉर टीडीएस लाया गया है टीसीएस के लिए, यानी के टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के केस में भी अंडर सेक्शन 206(c)(c)(a). यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर पर्सन ने आपको अपना पैन नंबर नहीं प्रोवाइड किया है तो उस केस में आपको उसका टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 20% इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज सेक्शंस और दीज प्रोविजंस. अब आप पूछोगे, सर अगर मैं 206(a)(b)
या 206 CCA के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता हूं तो उससे मेरे ऊपर क्या पेनल प्रोविजंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाएगा। तो इन द केस ऑफ TDS और TCS प्रोविजंस द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर टू कंप्लाई विद द TDS और TCS प्रोविजंस, अदरवाइज ही विल बी ट्रीटेड एज SSE इन डिफॉल्ट एंड ही विल बी लायबल इन द फॉर्म ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस इन क्वेश्चन एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन द लेट पेमेंट एंड पेनल्टीज ऑल्सो। तो दोस्तों सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA से होने वाली वेरियस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को मिटिगेट करने या कम करने के पर्पज से CBDT ने एक सर्कुलर इश्यू किया है ऑन 21 June 2021 बाय सर्कुलर नंबर 11/2021 विच प्रोवाइड्स वेरियस सॉल्यूशंस फॉर दिस सेक्शन विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू नाउ। इन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के सॉल्यूशंस को आप बहुत ध्यान से सुनिए जिससे कि आपको इस सेक्शन के प्रोविजंस क्लियर हो जाएंगे, आपके मन में आने वाले वेरियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको यहां पर मिलेंगे। इट प्रिस्क्राइब्स दैट ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस इज प्रोवाइडेड एज ऑन द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 टेकिंग previous year 1819 and 1920 as the two relevant previous years। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि एक specified person की list बनाई गई है in the start of financial year 21-22 और ये list financial year 1819 and 1920 को consider करते हुए बनाई गई है। This list contains the name of taxpayers who did not file their return of income for both assessment years, that is 1920 and 2021, and have aggregate of TDS and TCS of ₹50,000 or more in each of these two assessment years। तो लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं, उन taxpayers के नाम हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021 के अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्स नहीं किए हैं और जिनका एग्रीगेट TDS एंड TCS फॉर ईच ऑफ दीज टू ईयर्स इज ₹50,000 और मोर। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट नो न्यू नेम आर एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की स्पेसिफाइड पर्संस की लिस्ट बनाई गई है वो फाइनल है और उसमें कोई भी नया नाम उसमें नहीं जोड़ा जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे जो भी लोग एज ए स्पेसिफाइड पर्सन इस लिस्ट में आ गए और कोई नया नाम ड्यूरिंग द ईयर उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, मींस आपको साल में सिर्फ एक बार ही इस लिस्ट को चेक करना है। तो साल के शुरू में एक बार यह लिस्ट चेक करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके वेंडर्स या पार्टीज इस स्पेसिफाइड लिस्ट में हैं और जिनका आपको हायर TDS या TCS काटना या कलेक्ट करना है एज पर सेक्शन 206 AB और 206 CCA। और फिर वो वेंडर्स या पार्टीज पूरे साल स्पेसिफाइड पर्संस की कैटेगरी में रहेंगे, कोई नया स्पेसिफाइड पर्सन इस लिस्ट में ऐड नहीं होगा। दिस इज अ टैक्सपेयर फ्रेंडली मेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर of checking pens of non-specified persons more than once during the financial year।
तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एसएससी के लिए एक टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर है, जिससे कि टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर का जो बर्डन है बार बार चेकिंग द पेन ऑफ नॉन स्पेसिफाइड पर्संस ड्यूरिंग द ईयर वो रिड्यूस हो जाएगा। इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920 और 2021 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22, देन हिज नेम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस। दिस वुड बी डन ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब अगर ये स्पेसिफाइड पर्सन अपना रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920 या 2021 का फाइल कर देता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा। इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, हिज नेम वुड बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। दिस विल बी डन ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 और द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न विच एवर इज लेटर। इफ द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इन द केस ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन इन द प्रीवियस ईयर 2021 is less than ₹50,000, then his name would be removed from the list of specified persons. This would be done on the first due date under section 139(1) falling in the financial year 21-22. For 21-22, this due date of 31st July 21 has been extended to 30th September 2021. Belated and revised TCS and TDS returns of the relevant financial years filed during the financial year 21-22 would also be considered for removing persons from the list of specified persons on a regular basis. Agar a specified person अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उसका नाम स्पेसिफाइड पर्संस की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट यानी टोटल टीडीएस एंड टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 2021 में ₹50,000 से कम का हो जाता है, तो भी उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। अब अगर किसी पर्सन ने अपना पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है और उसका टीडीएस एंड टीसीएस मिलाकर ₹50,000 उन दोनों सालों में अलग अलग होता है, तो ये सेक्शन 206(a)(b) एप्लीकेबल हो जाएगा और उस केस में आपको उसका हायर टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल की मदद से आपको ये क्लियर करता हूं। सपोज आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और आपके 10,000 वेंडर्स हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए एक फंक्शनैलिटी दी है, उस फंक्शनैलिटी के बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस फंक्शनैलिटी से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो टोटल 10,000 वेंडर्स हैं उनके पैन नंबर्स में से कितने पर्संस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्संस की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और उसको चेक करने पर सपोज कीजिए आपको पता लगता है कि उसमें से 5 पैन नंबर ऐसे हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्संस की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और जो बाकी 9,995 पैन नंबर हैं उसमें ये क्लियर हो गया कि दे आर नॉट
in the list of specified persons for that financial year. So, 9,995 PAN number specified persons की list में नहीं आ रहे हैं. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नया नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एड नहीं किया जाएगा. तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टैक्स डिडक्टर है या टैक्स कलेक्टर है वो इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो सकता है उसे 9,995 और पैन नंबर के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वही उनसे डिडक्ट या कलेक्ट करेगा. यानी कि आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस या टीसीएस उन पर डिडक्ट या कलेक्ट नहीं करना है. सिर्फ उन 5 या 5 पैन नंबर्स और वेंडर्स का उन 5 लोगों का जो कि स्पेसिफाइड पर्संस की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उनका हायर टीडीएस काटना है. अब अगर वे उस स्पेसिफाइड पर्संस की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो उनका भी आपको नॉर्मल टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है ना कि हायर टीडीएस और टीसीएस. तो ये काम आपको एक साल में सिर्फ एक बार करना है. यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ आपको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में एक बार ये करना है. तो हर साल ये लिस्ट जनरेट होगी और फंक्शनैलिटी में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर आप उसको उसी प्रोसेस से फिर चेक कर सकते हैं और उसके बारे में आप अकॉर्डिंगली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना है या नॉर्मल टीडीएस डिडक्ट करना है. अब इस बारे में जो टैक्स डिडक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए एक डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ रही है. अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं या किसी के अकाउंट्स में डील करते हैं, आप उनके अकाउंटेंट हैं या आप कोई प्रोफेशनल भी हैं, तो बहुत सारी कंपनियां लेटर इश्यू कर रही हैं, कुछ कंपनियां डिक्लेरेशन दे रही हैं और कुछ कंपनियां डिक्लेरेशन ले रही हैं और वो आपसे डिक्लेरेशन मांग रही है. तो मेरा आपको यह सजेशन है फंक्शनैलिटी में चेक करना. ये तो एक तरीका हो गया. आप अपनी तरफ से भी एक सेफ्टी के तौर पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं और डिक्लेरेशन ले भी सकते हैं अपनी पार्टी से या वेंडर से. इसके जिस फॉर्मेट में डिक्लेरेशन लेना है उसका ड्राफ्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है. उन डिक्लेरेशन फॉर्म को आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. अब आपसे शेयर करता हूं वो प्रैक्टिकल तरीका कि किस तरह से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपके टोटल वेंडर हैं उसमें से कितने स्पेसिफाइड पर्सन हैं और कौन कौन है जिनका आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना है. तो मैंने जैसा अभी आपसे एक नई इनकम टैक्स की फंक्शनैलिटी के बारे में शेयर किया जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए प्रोवाइड करी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एक नई फंक्शनैलिटी इश्यू करी है जिसका नाम है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA. इस फंक्शनैलिटी की हेल्प से जितने भी टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर हैं वो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उनको किस किस पर्सन का हायर टीडीएस काटना है. क्या वो
स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA। ये फंक्शनैलिटी जिसको मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने रिपोर्टिंग पोर्टल पर अवेलेबल कराया है, जिसका लिंक मैंने यहां पर आपको दिया है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप इस लिंक को क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये लिंक है report.insight.gov.in। इस पोर्टल को क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको कैसे अपने को रजिस्टर करना है, उसको कैसे इसे यूज करना है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी इज गिवन एज क्विक रेफरेंस गाइड फॉर कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA। उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शंस 206 AB एंड 206 CCA के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उन सबके सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं। अगर फिर भी आपके कुछ और क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं या आपके मन में आ रहे हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CABN इन्फोवेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।